जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड बटन को दबा के जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल को जरूर हिट करें। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और नीचे स्क्रॉल करके कमेंट बॉक्स में जरूर से फीडबैक दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चाय चाय। आज चाय चाय में मैं बनाने जा रही हूँ लच्छेदार राइस पराठा। यस, बहुत इजी रेसिपी है, झटपट शुरू करते हैं और पराठों का मजा लेते हैं। तो सबसे पहले पराठा का डो रेडी करते हैं, जिसके लिए हम लेंगे एक कटोरी आटा, इक्वल क्वांटिटी में लेंगे एक कटोरी मैदा, ऐड करते हैं थोड़ा सा नमक, ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक डो रेडी कर लेते हैं। ये हमारा डो रेडी हो गया है, इसको हम कवर करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए और जब तक हमारा डो सेट होता है हम इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं। अब हम करते हैं स्टफिंग को रेडी। मैंने पैन चढ़ा दिया है, इसमें डालते हैं थोड़ा सा तेल, तेल हमारा गर्म हो रहा है, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, आप चाहो तो ब्रेक भी कर सकते हो। डालेंगे इसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, ये सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं, इसमें ज्यादा मीठा हो जाएगा। डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और ये चावल मैंने दोपहर में लंच के लिए बनाए थे जो कि मेरे बच गए हैं और इसका हम बनाएंगे अच्छे से पराठा और इसको हम भी यूज ले लेंगे। इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, इसको ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और हमारा डो भी सेट हो गया है। अब हम पराठे बनाते हैं। डो हमारा सेट हो गया है, अब हम इनके बॉल्स बना लेते हैं। अब सरफेस पे हम लगाएंगे सूखी मैदा और अब हम इनको बेल लेते हैं।
ये हमने इसको अच्छे से बेल लिया है, देखने कितना पतला बेला है इसको। और अब हम लगाते हैं इसमें घी, जिसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। स्टफिंग को हम अच्छे से फैला देते हैं। और इनका हम बनाएंगे एक रोल। हमने इसे रोल बना लिए हैं। अब हम करेंगे इसकी कटिंग, इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। देखिए हम इसको कट कर लिया है। अब हम इसको बेलेंगे, इस तरह से हम कोई भी एक पार्ट लेंगे और इसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे। सरफेस पे एक सूखी मैदा स्प्रेड करते ताकि ये चिपके नहीं। इस तरह से हम अपने पार्ट्स को इसके ऊपर रखेंगे, प्रेस करते जाते हैं इसको। अगर आप स्मॉल साइज का पराठा बना सकते हो तो हम इनको दो पार्ट, दो पीस बना सकते हैं। हमने इसको हाफ ले लिया है, हाफ पार्ट हमने रख दिया है। ये देखिए मैदा स्प्रेड करते हैं और इसको हम बेल लेते हैं। इसको हम ज्यादा बड़ा नहीं बेलेंगे, ये साइज हमारी सफिशियंट है। इस तरह से हम अपना दूसरा पराठा भी बेल लेते हैं। ये हमने इसको बेल लिया है, इस तरह से हमने सारे पराठों को बेल लेते हैं और इनको तवा पे सेक लेते हैं। तवा हमारा गर्म हो गया है, थोड़ा सा घी लगाते हैं, डालते हैं और इसको हम सेक लेते हैं। खाते हैं उनको एक लच्छेदार पराठा बना के उन्हीं बच्चों को।